अस्सलामुअलैकुम असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी रेडी हो रही है। आज मैं बना रही हूँ देसी मसर, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। देसी मसर बन रहे हैं मेरे किचन में, बहुत ही देसी तरीके से बन रहे हैं और बहुत ही कम मसालों में बन रहे हैं, मगर इतने स्पाइसी, इतने टेस्टी, इतने करारे कि सब के सब जो है ना, आज राइस के साथ ये मसर ख़त्म होने वाली है। कैसे बनाती हूँ, आधा किलो के करीब ये मैंने मसर ले लिए, काले मसूर ले लिए, ये मैंने देसी वाले लिए। एक जो इसमें ज़रा से बड़े होते हैं वो फार्मी होते हैं, उसका टेस्ट नहीं होता। ये वाले जो मसर होते हैं देसी होते हैं, ये इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है। ज़रूर आप दुकानदार को कह के लें कि हमें देसी मसर चाहिए, वो वरना फार्मी मसर भी दे सकते हैं आपको। फार्मी मसर नहीं लीजिएगा, देसी मसर लीजिएगा। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएँ और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। बहुत शुक्रिया। कर लेंगे, हमने मसरों को बहुत अच्छे से धो लिया है और उसके अंदर मैंने पानी भी साफ कर लिया है जो मैंने मसर में डालना है। ठीक है, सब अच्छे से साफ करके इसमें डाल देंगे। हमने डाल दिया है इसके अंदर, अब हम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। मसरों के अंदर देसी मसर बन रहे हैं मेरे किचन में। इसमें जाएगी हाफ टी स्पून नमक का, इसमें मैंने 3 गिलास भर के पानी के शामिल कर दिए आधा किलो मसर के अंदर। हल्दी जाएगी इसमें हाफ टी स्पून। इसमें लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा और इसको वेट लगा देंगे हम प्रेशर कुकर का तकरीबन 20 मिनट का। 20 मिनट के बाद मिलते हैं हम। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसल जो हैं, देखते हैं कैसे मसल गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी मसल हमारे जो हैं पक के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल देसी मसल जो हैं घुल चुके हैं जिस तरह के हमें चाहिए थे। ये देखिए अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी मेरे साथ रहिएगा। इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत मैंने ली, वो मैंने डाल दी इसके अंदर। मैंने छिला हुआ और इसमें घी जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून या 3 टीस्पून के करीब घी डाल दूंगी मैं। लहसुन जो है हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है, इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डाल देंगे और जीरे को भी अच्छे से कड़ाएंगे। जो मसर हैं जो हमने काले मसूर बनाए, ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे मक्खन की तरह मसर रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर तड़का नाइस कर जाएगा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे बने। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे होममेड। हरा धनिया डालेंगे हम इसमें, बना सकते हैं और साथ जो घी लगी हुई रोटी होती है वो भी बहुत मज़े की लगती है मसरों के साथ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए मज़ेदार किस्म के हमारे क्रीमी और देसी मसर जो हैं रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, टेस्टी टेस्टी से, यमी यमी से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करा करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अस्सलामुअलैकुम।